योगेश कुमार थे, देख रहे हो झुंझुनू वॉइस। आज आप आए हैं केट गांव के अंदर। केट गांव के अंदर अभी अभी जो राजेंद्र जी गुड्डा की जो महिला सम्मान जो यात्रा है वह अभी पहुंच वाली है कुछ ही देर के अंदर। और जद से बाद में वह एक जो लाल डायरी को जो जिक्र आयो, लाल डायरी के जिक्र के बाद में बान जो अशोक गहलोत जी द्वारा बान मंत्री पद से बर्खास्त कर दियो गयो। और उसके बाद में वह आपके जो क्षेत्र में आई और महिला सम्मान ईमानदार आदमी है, दिल का साफ आदमी है। ये जाके हमारे लिए राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में बैठ के हमारे लिए अच्छे फैसले करेगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा, हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगा। लेकिन अफसोस, मैं इस नौजवान की ये नौजवान के लिए जब रोज पेपर आउट हो रहे थे आरपीएससी में, पेपर बिक रहे थे, सेंटर बिक रहे थे और नौजवान निराश हो रहा था। जब एक लड़का कॉलेज से निकल के, स्कूल से निकल के कॉलेज में जाता है, कॉलेज से निकल के फिर पीजी क्लास के लिए जाता है, उसके बाद में कोचिंग करता है, उसके माता पिता उसको पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, गरीब आदमी इस उम्मीद से उसको कोचिंग कराते हैं कि शायद अब ये लड़का होशियार है, अफसर बन जाएगा, हमारा कर्जा उतार लेगा। तो कर्जा लेके भी उसको पढ़ाते हैं और कर्जा लेके उस बच्चे को कोचिंग कराते हैं। बच्चा रात दिन मेहनत करता है, उसको पता है पैसा कहां से आ रहा, मेरे माता पिता के पास पैसा नहीं है, कर्जा लेके मुझे पढ़ा रहे हैं और वो जी जान लगा के मेहनत करता हूँ बच्चा। और उसके बाद जब सेंटर तक पहुंचता तो पता चलता है पेपर आउट हो गया, पेपर बिक गया, सेंटर बिक गया। उस बच्चे का जब घर आता है तो उसकी शक्ल देख के माता पिता जान जाते हैं। और फिर दूसरा रिश्तेदार आता था, इसको हमने पढ़ा दिया, खर्चा कर दिया, कोचिंग करा दी, ये कुछ नहीं कर पाया, पड़ोसी ताने मारने लग जाते हैं और बच्चे ट्रेन के नीचे कट कट कर मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, फांसी के लटक रहे हैं। नौजवान पीढ़ी हताशा आ गई और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में हम लोग बैठ गए और इस तरह के हमने काम किए। 215 थानेदार बनने थे एक साथ, 100 थानेदार एक ही गांव के बन गए, 100 थानेदार 200 थानेदार एक ही सेंटर के बन गए। सिर्फ पूरे राजस्थान में 15, एक सेंटर के 200 सेंटर बिक गया। हजारों बच्चों ने मेहनत की थी, गरीब का बच्चा घर आ गया, मंत्री के रिश्तेदार सारे थानेदार बन गए, एसडीएम बन गए, डिप्टी बन गए, तहसीलदार बन गए, बीडीओ बन गए, डॉक्टर बन गए, मजिस्ट्रेट बन गए। और उसके बाद आपको बताना चाह रहा हूं, आरपीएससी का मेंबर कौन बनाता है, कटारा का मेंबर किसने बनाया, अशोक जी गहलोत ने बनाया, कटारा ने पेपर भेज दिया, पेपर मेंबर बनाने वाले की गलती नहीं है। जब दुकान के अंदर दुकानदार कम तोल रहा है, चोरी कर रहा है तो सेठ के बिना तोल रहा है। कटारा का मेंबर गहलोत ने बनाया, संजय सोत्रू को चेयरमैन अशोक गहलोत ने बनाया, रोज पेपर। और हम हमारे बच्चों को क्या मुंह दिखाया, किस मुंह से इसे वोट मांगे, इसलिए हमारे मुंह पर ताले लगाए गए, कोई भी बाहर जाके नहीं बोलेगा, पेपर आउट के बारे में कोई भी नहीं बोलेगा। हकीकत कह रहा हूं, केट की धरती पर खड़ा होकर मेरे से रहा नहीं गया। और रविंद्र मंच के अंदर कार्यक्रम हो रहा था, सीएम ने कहा कोई नहीं बोलेगा, रंधावा ने कहा कोई नहीं बोलेगा। सच्चाई है, हम पेपर परीक्षा कराने में फेल हो गए, पर्चे आउट हो गए, सरकार का सिस्टम खत्म हो गया, मेरे से नहीं रहा गया, मैं बोल गया। गुड्डा तुम संघर्ष करो, आपको बताना चाह रहा हूं, माता और बहन ने, हमारी बहन बेटियों ने मुझे वोट दिया था, मुझे सब दिया था, उनके पास बीजेपी थी, उनसे निराश होकर उन्होंने मुझे वोट दिया था। कांग्रेस के आदमी के पास 100 साल से पुरानी पार्टी है। जाएंगे अभी अभी मंत्री महोदय इन अभी केट गांव के अंदर जो पदार्थ चुके हैं, यहीं बड़को तो एक भव्य स्वागत करो जा रहे है और देख कहा कि केट गांव वासी कितना जो उत्साह है और सैन को जो स्वागत कर रहे हैं और अड़े महिलाओं के सम्मान का अंदर जो केट गांव का ही जो मंत्री जी का
साथ हैं और अनक साथ में उनको जो काफी लोग आपा देख सका है जो केट ग्राउंड का अंदर जो काफी लोग देख सका है वो धान ये वीडियो का माध्यम से जो काफी लोग दिखाया जा रहा है कि मंत्री जी के साथ में जो इतना समर्थक हैं और जो ऊंट काटा जो रैली है वह अभी केट ग्राउंड के अंदर पहुंची है। महिला सम्मान यात्रा बब्बू सारा बब्लू आप सब लोगों से निवेदन है सब आगे आ जाओ प्लीज सामने आओ अभी सामने रहने की जरूरत है बाकी तो हम सब पीठ पे ही खड़े हैं आ जाओ। अरे लाल जी गुग्राम जी बेरवाल एक मिनट राहुल जी अटल कंवर सिंह जी यादव सुबेदार जी गुग्राम जी बेरवाल अमीर नाजा जी सभी आए गोपाल सिंह जी शेखावत राजस्थान के जोधपुर के जेएनवी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर रात 3 बजे एक लड़की के साथ में तीन दहिंदों ने जिंदगी की थी उनका उनको नहीं पता था। उसी वक्त राजस्थान के नागौर के अंदर एक मात्र एवेस जो महिला लड़की थी 16-17 वर्ष की उम्र की लड़की थी उसके साथ में भी 3-4 दहिंदों ने जिंदगी की थी लेकिन राजस्थान सरकार को उसका भी ध्यान नहीं था। मंत्री महोदय ने तो सिर्फ इतना सा कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप मणिपुर की बात कर रहे हो जो कि हमसे 3-4 हजार किलोमीटर दूर है लेकिन आपको हमारे राजस्थान के अंदर हमारे राजस्थान की बहन बेटियां जो है वो उनके साथ में जो नेवरा वो कैसे नजर नहीं आ रहा इतनी सी बात कही थी और सत्तापक्ष ने कांग्रेस पार्टी ने मंत्री महोदय को राजस्थान विधानसभा से बाहर निकाल दिया बर्खास्त कर दिया कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त कर दिया लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि राजस्थान के उदयपुर वाटी की विधानसभा के 2 लाख युवाओं के दिलों में बसने वाले राजेंद्र गुड्डा आप विधानसभा से तो बर्खास्त कर सकते हो आप लेकिन लोगों के दिलों से आप कैसे बर्खास्त कर पाओगे इस चीज का उन्हें अनुमान नहीं था। मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूँ जहाँ जहाँ भी हमारी ये महिला सम्मान यात्रा जा रही है वहाँ ऐसा ही सम्मान ऐसा ही उमंग ऐसा ही जोश सम्मानित मंच और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मोतियों से महंगे प्यारे बच्चों और मेरे सर के ताज केद ग्रामवासियों मैं आपको आज ये अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने किसी नीति के खिलाफ थे किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थे किसी विचार के खिलाफ नहीं थे। अरे सरकार का काम है लोगों की सुरक्षा करना और उससे भी पहले बच्चे और महिलाओं की सुरक्षा करना उनका नैतिक दायित्व है। जिंदा आदमी जिसकी आत्मा जीवित हो
वो निश्चित रूप से अंदर से तड़पेगा, अपराध को अत्याचार को देखकर विधानसभा में सारे सरकार के तटस्थ मंत्री के रूप में बैठे थे और उनको अंधी आंखों से मणिपुर की घटना दिखाई थी। निश्चित रूप से मणिपुर की घटना निंदनीय है, अपमानजनक है इस देश के लिए।